सो हाय गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स एम्पायर के एयरड्रॉप क्राइटेरिया के बारे में कि एयरड्रॉप लेने के लिए गाइस आपको क्या टोन ट्रांजैक्शन करना जरूरी है कि नहीं, अगर नहीं करोगे तो क्या आपको एयरड्रॉप मिलेगा कि नहीं, सब कुछ बताऊंगा। सो देखो यहाँ पे सिंपली ऊपर ही बता रखा है कि अगर आपको एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट करना है, आप एयरड्रॉप लेना चाहते हो, तो यहाँ पे दो टास्क आपको करने जरूरी है। ठीक है, पहले ये कि आपको वॉलेट कनेक्ट करना है कोई भी आपका जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सेकंड ये कि उस वॉलेट से आपको एक ट्रांजैक्शन करनी है टोन की। टोटल यहाँ पे 0.5 और कुछ एक्स्ट्रा 1-2 रुपए का जो है टोन लगता है यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने के लिए एज अ फीस। टोन तो ये इनके पास चला जाता है एक्स एम्पायर वालों के पास, तो आपका जो एकदम वेरीफाइड हो जाओगे आप कि आपको गारंटीड एयरड्रॉप मिलेगा। जैसे तो जैसे आप ये कंप्लीट करोगे आपका जो क्वेश्चन नीचे की साइड लिखा आएगा कि यू विल रिसीव एयरड्रॉप। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि गाइस अगर आपका अच्छा खासा लेवल है तो गारंटीड इसमें टोन ट्रांजैक्शन करो, अपना एयरड्रॉप कंफर्म करो। अगर आपका 20 लेवल है या उससे अच्छा खासा लेवल है इसमें या उससे भी ऊपर लेवल है, ठीक है, तो जरूर करो क्योंकि इसमें आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी कैपेसिटी है तो जरूर करना। इसके अलावा गाइस यहाँ पे गाइस अगर आपका 4 से ऊपर लेवल है तो भी आप लोग कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे गाइस इसमें लॉस आपको नहीं होगा। जितने का भी आप इसमें टोन लगाओगे उतने का टोकन तो ये आपको देंगे ही देंगे। दूसरा यही कि गाइस अगर आपको टोन खरीदना नहीं आता है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप UPI के थ्रू मेरे से डायरेक्ट ले सकते हो। थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे लेकिन आपको टोन आपके डायरेक्ट वॉलेट मिल जाएगा और आप इसको कंप्लीट कर सकते हो काफ़ी इजीली। मुझे DM कर देना Instagram पे। ओके बाय।